नमस्कार बहुप्रिया, आज है 5 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। गरीबों का घर बनाने के लिए इतनी राशि अब खर्च करेगी नीतीश सरकार। अब सार्वजनिक होगी मुखिया प्रमुख सहित सभी पदाधिकारियों की संपत्ति। बिहार में अब रसोई गैस लेने के लिए बनी नई व्यवस्था। 38 में से 31 जिलों का पानी नहीं है पीने योग्य। वाहनों के लिए लागू होने वाला है नया नियम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गरीबों का घर बनाने के लिए इतनी राशि अब खर्च करेगी नीतीश सरकार। बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार हर किसी के सिर पर छत देखना चाहती है, इसी के संकल्प के साथ काम भी कर रही है। यही कारण है कि बिहार के आवासहीन लोगों की मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में अब गरीबों को घर बनाने के मद में बिहार सरकार की तरफ से 2,467 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने राज्यांश का प्रावधान किया है। इसके साथ ही आजीविका मिशन के तहत जीविका दीदियों पर 1,014 करोड़ तो बिजली के संचरण वितरण परियोजनाओं पर 489 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए राशि तृतीय अनुपूरक व्यय से खर्च की जाएगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रामगोपाल बजाज की। रामगोपाल बजाज का जन्म आज ही के दिन साल 1940 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। रामगोपाल बजाज एक भारतीय थिएटर निर्देशक, शिक्षाविद और हिंदी फिल्म अभिनेता है। वो एक संकाय सदस्य और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। उन्हें थिएटर में उनके योगदान के लिए 2003 में पद्मश्री और 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सार्वजनिक होगी मुखिया प्रमुख सहित सभी पदाधिकारियों की संपत्ति। पंचायती राज विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी करते हुए किसी भी हाल में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारियों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करवाने को सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। ऐसे में अब सभी मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, क्योंकि आमतौर पर पंचायतों के विकास कार्य के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। काफी सारे जगहों से ऐसी शिकायतें आती रहती है कि धनराशि का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है, जिसके बाद ही अब इन सभी को संपत्ति का ब्यौरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। बिहार विधानसभा में शून्यकाल में जमकर हुआ हंगामा। बीते दिन बिहार विधानसभा में शून्यकाल में खूब हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्रवाई के दौरान बीते दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार का घेराव किया और खूब हंगामा किया। इस दौरान ही माले के सदस्यों ने बिहार में घोटाले के मुद्दे को विधानसभा में उठाया और वेल में पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने नारेबाजी करते देखे गए। इस दौरान ही माले सदस्य हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मार्शल से पोस्टर छीनने के लिए कहा। मार्शल ने सभी माले सदस्यों से पोस्टर छीन लिया। मद्रास विश्वविद्यालय ने निकाली रिक्तियां। मद्रास विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलो के कुल मिलाकर 54 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कला, विज्ञान, भाषा, वाणिज्य, ललित कला, शिक्षा, प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.unom.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार की 67% लड़कियां ऑनलाइन कक्षाओं से रही वंचित। कोरोना की वजह से शिक्षा ऑनलाइन मोड में शुरू की गई थी, लेकिन इस दौरान शहरी झुग्गियों में रहने वाले बिहार की 67% लड़कियां ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाई। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2022 में कोरोना महामारी के चलते किए गए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान इतनी संख्या में छात्राएं ऑनलाइन कक्षा से वंचित रह गई थी। इतना ही नहीं, गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन द्वारा पिछले साल फरवरी में एक स्टडी भी की गई थी। इसमें 10 से 18 साल की 68% लड़कियों को इन राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं भी नहीं मिल पाई थी, जिस पर ही अब बिहार सरकार गंभीर नजर आ रही है। पटना में जल्द ही प्रमुख स्थानों पर मिलेगा नीरा। आने वाले दिनों में राजधानी पटना नीरा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में पटना में लगभग 10 से 15 स्थानों पर नीरा की बिक्री शुरू होने वाली है। आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर जीविका की तरफ से जू अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है, क्योंकि योजना फिलहाल यही है कि पटना जू में भी 2 और स्थानों पर नीरा बिक्री का स्टॉल खोलने की पहल तेज की जाए। अगर सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो पटना जू में भी अब नीरा की बिक्री होगी। सबसे खास बात यह है कि इसको बिहार सरकार खुद ही बढ़ावा दे रही है। वहीं 510 दुकानों को इसको लेकर लाइसेंस भी दे दिया गया है।
इंटर की 50% से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 8 मार्च 2022 तक कॉपियों का मूल्यांकन का काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर ही केंद्रों पर केंद्राधीक्षक समय से पहले ही काम को पूरा करने में भी लगे हुए हैं। इसी बीच जो अपडेट निकल करके सामने आई है उसके अनुसार बीती शाम तक बिहार बोर्ड के इंटर के कुल मिलाकर आधे से अधिक कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। जानकारी के अनुसार कुछ ही कॉपियों की जांच बची हुई है जिनका मूल्यांकन परीक्षकों को करना है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए कई जगह पर केंद्र खोले गए हैं। विधानसभा सदस्य ने बिहार में अफसरशाही का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा में बीते दिन एक बार फिर से अफसरशाही का मुद्दा उठाया गया। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हमें नहीं बुलाया जाता है। इस मुद्दे पर विधानसभा में सभी सदस्य एकजुट दिखे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि मामला गंभीर है, सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल पालन करने का अधिकारियों को पहले से ही साफ निर्देश दे दिया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार की मंशा साफ है, विधायकों को सम्मान मिले। बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी एक जैसा करते हैं। अब सब बच्चे तो तेज नहीं हो सकते, कुछ बुद्धू भी होते हैं। 38 में से 31 जिलों का पानी नहीं है पीने योग्य। बिहार में बीते दिन बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके तहत ये जानकारी साझा की गई कि बिहार के 38 में से 31 जिलों का पानी पीने लायक ही नहीं है। यानी कि भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है। प्रभावित जिलों में राजधानी पटना भी शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, नवादा, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और अररिया का नाम शामिल है। इसका खुलासा खुद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री रामप्रीत पासवान ने किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि पेयजल को शुद्ध कर आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को हटाने का जारी हुआ आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन राज्य के पुलिस महानिदेशकों को जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को हटाने का आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान ही उक्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने के लिए अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को दिया। अब बिहार में निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीट पर सरकार के बराबर होगी फीस। बिहार के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार के आदेशानुसार अगले सत्र से देश भर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों पर छात्र छात्राओं से सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस ली जाएगी। इसकी घोषणा बीते दिन ही विधानसभा में खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में हर वर्ष नीट के माध्यम से नामांकन होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस के निर्धारण के लिए रिटायर्ड जज अखिलेश चंदा की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनी है। बिहार में अब रसोई गैस लेने के लिए बनी नई व्यवस्था। बिहार में अब रसोई गैस लेने के लिए आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत ही एचपीसीएल की तरफ से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई है। वहीं अब सप्ताह के सभी 7 दिन गैस एजेंसी भी खुली रहने वाली है, यानी कि अब राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टियों के दिन भी उपभोक्ता गैस सिलेंडर ले सकेंगे। साथ ही बुकिंग के 24 घंटे में सिलेंडर की डिलीवरी भी की जाएगी, क्योंकि एचपीसीएल की रसोई गैस एजेंसियों को हर दिन खोलने का निर्देश दिया गया है। नवादा के नारद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूरे बिहार में पटना के बाद ये दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। ये साल 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिलाधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजूश्री, गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृति भी रखी गई है। कौवाकोल के देवनगढ़ के लिए हिसुआ के सोनसा, अपसगढ़, पार्वती रजौली से प्राप्त हुई कई प्रतिमाएं रखी गई हैं। इसके साथ यहां कई प्राचीन हस्त पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं।
पेंशन पर निर्भर करता है बिहार का 10% लोगों का जीवन। बिहार के लोग पेंशन पर निर्भर ज्यादा रहने लगे हैं। ये हम नहीं बल्कि बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों का कहना है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पेंशन धारकों की संख्या 1.2 करोड़ है। इनमें दिव्यांग पेंशन धारकों की संख्या 10.5 लाख है, यानी बिहार की आबादी के करीब 10% लोग पेंशनधारी है, तो इनमें से 10% दिव्यांग जन है, यानी कि बिहार में करीब 10% लोगों की आजीविका पेंशन के सहारे चलती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के पेंशन धारकों की पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर विधानमंडल में पूछे गए सवालों पर राज्य सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वाहनों के लिए लागू होने वाला है नया नियम। वाहन मालिकों के लिए आने वाले समय में परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार ने वाहनों के लिए नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत ही अब जल्द ही गाड़ियों के अगले शीशे पर फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी जानकारी साझा कर दी है। हालांकि ये कब तक लागू होगा इसकी जानकारी तो नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि ऐसा नहीं करने वालों के साथ क्या होगा, तो मिनिस्ट्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं करने पर कार को कबाड़ की श्रेणी में रख दिया जाएगा, यानी कि अब हैवी गुड्स, पैसेंजर व्हीकल्स, मीडियम गुड्स और लाइट मोटर व्हीकल के विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपर में फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना होगा। अब ड्रोन के जरिए होगी फसलों की निगरानी। बिहार में फसलों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से होने वाली है। इससे पहले किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ड्रोन की मदद से खाद, बीज और कीटनाशकों का छिड़काव करने का आदेश जारी हुआ था कि अब निगरानी का काम भी होने वाला है। जानकारों की माने तो सरकार के इस पहल से गांव में उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार किसान समूह यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को 75% अनुदान देगी। किसान विज्ञान केंद्र की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कस्टमर हायरिंग सेंटर के युवाओं को 40% और कृषि से स्नातक युवाओं को 50% अनुदान देकर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। फायदा यह होगा कि अब इससे गांव में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। बच्चों को बहरेपन से बचाने के लिए शुरू हुई श्रवण श्रुति योजना। बिहार के बच्चों को बहरेपन से बचाने के लिए अब बिहार सरकार लग गई है। यही कारण है कि अब सरकार ने बच्चे को बहरेपन से बचाने के लिए श्रवण श्रुति परियोजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ही बच्चों को अब मुफ्त में जांच और इलाज होगा। इसके तहत जन्म से 6 साल तक के सभी बच्चों के कान में सुनने की क्षमता की जांच होगी। अभी इसकी शुरुआत गया जिले से की गई है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बच्चों को बहरापन से बचाने के लिए श्रवण श्रुति परियोजना बीते दिन शुरू की। शराबबंदी पर बोले शिक्षा मंत्री। बीते दिन बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 5वां दिन था। इस दौरान सदन की कार्रवाई के दौरान कई विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर बिहार में शराबबंदी मुहिम में शिक्षकों को लगाने के सरकारी फरमान पर भी विधान परिषद में सवाल उठे। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने इस मामले पर सरकार से जवाब की मांग की, जिसके बाद ही मीडिया से बातचीत के दौरान और सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यही जवाब दिया कि हमने कोई फरमान जारी नहीं किया है। आम जनता की तरफ से शिक्षकों को सिर्फ शराबबंदी में मदद करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर पत्र जारी किया गया था। उन्हें कोई टारगेट नहीं दिया गया है कि आपको साल में इतने शराबियों या शराब तस्करों को पकड़ना है। सभी सीटों के लिए जल्द ही कांग्रेस करेगी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिहार में हाल ही में विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। इसको लेकर हालांकि कुछ दलों ने तो पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, वहीं कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, जिसमें एक नाम कांग्रेस का भी है। हालांकि अब कांग्रेस ने यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। आलाकमान के आदेश होने के बाद अब नामों की घोषणा 2 से 3 दिनों में कर दी जाएगी। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बजट को बताया मार्च लूट, सरकार से मांगे जवाब। बिहार विधानसभा में बजट का 5वां दिन बीते दिन समाप्त हुआ। वहीं बजट पेश तो 28 फरवरी को ही कर दिया गया, जिसके बाद ही बीते दिन भी बजट पर चर्चा की गई, जहां पर ही तेजस्वी यादव ने सदन में बजट पर चर्चा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि साल दर साल वही घिसापिटा बजट पेश किया जाता है, सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है। नीति आयोग और क्या की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राबड़ी शासनकाल में विकास दर 32 था और अब 34 है। अब डबल इंजन की सरकार है तब के हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे अच्छा है और बिहार सबसे पीछे है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आई है कि 52% आबादी गरीब है। बिहार के 38 जिलों में आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। बिहार के 38 जिलों में इतनी आबादी गरीब है, फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। जदयू की तरफ से शुरू की गई साइकिल रैली से शराबबंदी जागरूकता।
बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अभी भी हर दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर शराब का सेवन की जानकारी निकल करके सामने आई है, जिस पर ही नियंत्रण लगाने के लिए बिहार सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है। इसको लेकर ही बीते दिन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शराबबंदी अभियान की जागरूकता को लेकर साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ही ये यात्रा बीते दिन नालंदा जिले के कल्याण बीघा रवाना हुई। सबसे खास बात यह है कि साइकिल यात्रा अभियान में बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को शराबबंदी के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार में शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को इस साइकिल यात्रा से बल मिले। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महाराजा जयसिंह ने 1699 में अंबर का सिंहासन संभाला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 1851 में स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया। भारत में झारखंड पार्टी की 1949 में स्थापना हुई। अभिनेता संजय दत्त के पिता और फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने 1999 में कोलंबो से 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी सद्भावना यात्रा आरंभ की। भारत ने समुद्र से जीवन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण किया। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग करने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुशीला दीदी का 1905 में पंजाब में जन्म हुआ। ओडिशा के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का 1916 में जन्म हुआ था। विराट के आउट होते ही रोहित ने पकड़ा अपना माथा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में 45 रन बनाकर आउट हुए। विराट को श्रीलंका के स्पिनर की गेंद पर जब आउट होते देखा गया तो वो इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना माथा पकड़ा हुआ था। विराट 2 साल से ज्यादा समय से इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं ठोक पाए हैं और फैंस के साथ टीम इंडिया को उम्मीद थी कि वो अपने 100वें टेस्ट मैच में ऐसा जरूर करेंगे। वहीं बीते दिन खेले गए मैच की बात करें तो पहले दिन के खेल में भारत ने 85 ओवर में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए। गूगल ने अपने एंड्रॉइड ऐप के लिए टेस्ट किया डार्क मोड। टेक दिग्गज गूगल अपने एंड्रॉइड सर्च एप्लीकेशन के लिए डार्क मोड की टेस्टिंग कर रहा है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार नया शेड अभी भी वैसा नहीं है जैसा पिछले महीने डेस्कटॉप पर पिच ब्लैक डार्क मोड के गूगल के टेस्ट में प्रस्तुत किया गया था, बल्कि मोबाइल ऐप में देखा गया है कि सामान्य डार्क ग्रे रंग की तुलना में गहरा है लेकिन फिर भी काले रंग की तुलना में हल्का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल के मोबाइल ऐप में नया डार्क मोड OLED डिस्प्ले वाले उपकरण के लिए अधिक आकर्षण हो सकता है जो बैटरी लाइफ को बचाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजीव कुमार भोलू, विकास कुमार सिंह, माही आनंद, चंद्रवीर यादव, विजय घायल, अनंत कुमार, मुकुल कुमार सिंह, संतलाल यादव, राज इंटरनेट, रूपम कुमारी, संजय कुमार, गौतम कुमार, राजीव कुमार, कुमार राहुल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की नल जल योजना बिहार में सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।